मतलब हम लोग ये जानेंगे कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, क्या था, इसका नेतृत्व किसने किया, होने के बाद क्या परिणाम निकला, सारी चीजों को जानेंगे। देखिए, भारत में लगातार अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। लगातार अत्याचार बढ़ने से क्या हुआ कि यहाँ के लोगों का शोषण ज़्यादा हो रहा था और भारत धीरे धीरे एक एक करके धीरे धीरे भारत पूर्णतः उपनिवेश बन चुका था ब्रिटिश का, अंग्रेजों का। यूँ कह लीजिए कि भारत पूर्णतः पूरा रूप से गुलाम हो चुका था अंग्रेजों का और रोज नए पे नए नियम, नए पे नए फरमान जारी किए जा रहे थे अंग्रेजों की तरफ से, जैसे के पाठक रोज फरमान जारी करते हैं, उसी प्रकार से रोज नए पे नए नियम लागू होते जा रहा था अंग्रेज की तरफ से। सारा नियम पूरे भारत के लोगों को सताने वाला था, पूरा भारत का शोषण करने के लिए था, समझे। सारा नियम अपने लिए, अपने हित के लिए लगाता था वो। तो इसको बढ़ते हुए अत्याचार को देखकर गांधी जी ने ये सोचा कि ये कब तक चलेगा। सारे बुद्धिजीवी, ये गांधी जी इसका नेतृत्व किए और गांधी जी ने एक आंदोलन किया कि असहयोग आंदोलन, मतलब सहयोग नहीं करेंगे तुम्हारा, किसका, अंग्रेजों का। अंग्रेज महल बना रहे हैं बड़ा बड़ा, दिल्ली में उसका महल सब अभी भी है, पटना में महल है, दिल्ली पटना में करें, ये महाराष्ट्र में जाइएगा, कोलकाता में जाइएगा, उसका महल अभी मिल जाएगा, एकदम बड़ा बड़ा महल बना हुआ, अंग्रेज का बना हुआ महल अपना रहने के लिए। जो अंग्रेज महल बना रहा है वो कौन बना रहा है, कहाँ के मजदूर बना रहा है, अंग्रेज जो खाना खा रहा है उसका खाना कौन बना रहा है, जो भी कुक है, जो भी खाना बनाने का रसोईया है, कहाँ का रसोईया है, अंग्रेज का कपड़ा जो साफ कर रहा है वो कौन है, धोबी, कहाँ का है, अंग्रेज का जूता पॉलिश कर रहा है रोज के रोज, साफ कर रहा है, जूता बना रहा है, कौन बना रहा है, भारत के लोग। अंग्रेज का एक एक काम कौन कर रहा है, भारत के लोग। तो गांधी जी का कहना है असहयोग, सहयोग ना करो अब, असहयोग माने क्या होता है, सहयोग ना करो। अंग्रेज जो यहां आया है वो अपने से घर तो बनाएगा नहीं, अपने से खाना बनाएगा नहीं, अपने जूता सिएगा नहीं, अपने जूता का पॉलिश करेगा नहीं, अपने लेटरिन साफ करेगा नहीं, अपना घर खुद साफ करेगा नहीं। तुम ही लोग ना करते हो कुछ पैसों के लिए, मत करो, छोड़ दो उसका सब काम, कोई काम नहीं करेगा, कोई शिक्षक कॉलेज में पढ़ाने नहीं जाएगा, कोई धोबी कपड़ा नहीं धोएगा अंग्रेज का, कोई आदमी कुछ तो काम नहीं करेगा, जो भी काम करता है रसोईया खाना नहीं बनाने जाएगा, जो काम करता है छोड़ दो, असहयोग ना करो, सहयोग उसे कहते हैं असहयोग, ना करो सहयोग उसे कहते हैं असहयोग, नहीं करेंगे सहयोग तुम्हारा, अपने तिल मिला के तुम भाग जाओगे, पछताओगे। हम ही तुमको खाना बना के देते हैं, हम ही तुमको उपजा के देते हैं और हम ही पे तू अत्याचार करते हो, हम बनाए भी नहीं करेंगे, मार के मुहा दो, नहीं करेंगे, मार के मुहा दोगे तो खाना नहीं बनाएंगे, नहीं उपजाएंगे फसल, असहयोग पूरा तरह से सब असहयोग कर दिया। कर्मचारी काम कर रहे हैं कोई ऑफिस में, भाग आए, नहीं करेंगे काम, गांधी जी बोले काम नहीं करने के लिए, नहीं करेंगे। उस थाना में बैठे हुए कौन सिपाही बैठा है वो कहेंगे हम भी नहीं जाएंगे, जाओ कॉलेज में पढ़ा रहे प्रोफेसर वो चले आए, नहीं जाएंगे पढ़ाने, छात्र पढ़ रहे हैं वो भी नहीं जाएंगे पढ़ने, भाई कोई जो काम नहीं कर रहे थे जो कोनो काम जो कर रहे हम नहीं करेंगे काम, असहयोग नहीं करेंगे। जिसमें अंग्रेज इन्वॉल्व है, जो भी अंग्रेज जहाँ जहाँ पे भी है, जो जो काम करवा रहा है हमसे, वो कोई भी काम करवा रहा हो वहाँ हम जाए नहीं करेंगे। अंग्रेज पढ़ा रहा है तो पढ़ने नहीं जाएंगे, अब पढ़वा रहा है तो पढ़ाने नहीं जाएंगे, बस अंग्रेज का कोई भी काम हम नहीं करेंगे, यही गांधी जी का मोटो था, इसलिए नाम पड़ा असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। अब बात को समझिए, असहयोग आंदोलन समझ गया कि क्या है, इसका नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। तो महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया, इसका मतलब ये नहीं होता कि महात्मा गांधी अकेले कर रहे थे, ऐसा बात नहीं है, उसका मेन लीडर बने थे वो, मेन। जैसे 11 को प्लेयर क्रिकेट खेलता है तो कोई टीम जीतता है तो क्या कहते हैं, इंडिया जीता है। यह एक प्रथम जन आंदोलन बना, इसके निम्नलिखित कारण है। पहला नंबर, खिलाफत का मुद्दा,
तुर्की के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा था और इसका विरोध कौन कर दिए? गांधी जी। और भारत के मुसलमान यहाँ पे विरोध करने लगे। खिलाफत आंदोलन का मुद्दा था कि भैया वहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं तो यहाँ के मुसलमान भी आपका विरोध करेगा, और गांधी जी इसका बात को पहले ही नेतृत्व कर चुके थे। दूसरा नंबर, पंजाब में सरकार की बड़बड़ कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय का प्राप्त करना। पंजाब में लगातार दिन ब दिन अंग्रेज सरकार क्या कर रहा था? शोषण कर रहा था, और जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुका था, जिसमें किसान जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुनकर आपकी जो है ना रूहें कांप उठेगी। हमारे देश का एक बात है, ये कोई कहानी नहीं है, पढ़ियो कि सुन के आनंद आएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें लाखों निर्दोष लोग जो था वो क्या कर रहे थे? उत्सव मना रहे थे। उसी में कुछ बातें भी होने वाली थी, उत्सव मनाने के दौरान कुछ बात भी करने वाले थे वो लोग आपस में मिलकर, पंजाब के लोग अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर शहर में ना, अमृतसर में ना, वहाँ पे एक बगीचा है। और कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? 1919 को। अब हुआ क्या कि वहाँ पे किसान लोग वहाँ पे बैठ के, सारे मजदूर लोग जितने भी जाए, जितने पंजाब के जो लोग थे वो लोग बैठ के आंदोलन का मना रहे थे, पर्व मना रहे थे, अपना लोहड़ी मना रहे थे शायद, और उसी बैठकर आंदोलन मना रहे थे। सारे बच्चे बूढ़े औरतें सभी में थी। क्या क्या अंग्रेज के अफसर आया, जनरल डायर, पूरा एक वो गेट था उसमें से एग्जिट करने का, निकलने का, पूरा गेटवा बंद कर देता है, और चारों तरफ से एकदम खड़ा, एक तरफ से खड़ा हो गया, कह दिया फायर। आए बताइए, बहुत जबरदस्त राउंड फायरिंग किया गया था, गोली इतना तेजी से फायरिंग हो रहा था कि किसी को सोचने का मौका भी नहीं मिला, सीधे मतलब कि पूरे लोगों को मतलब जान से मार दिया गया उसमें। हमारे भारत के लोग जो है ना, बेकसूर लोग जो कुछ नहीं किए थे उस सबको मार दिया गया था। यही खून जो है ना पूरा दिमाग में, पूरा पंजाब की जो घटना हुई थी ना, पूरा दुनिया को नहीं कह सकते हैं फिलहाल में, भारत को पूरा एकदम झकझोर दिया। इतना बड़ा अत्याचार, बताइए, उसको शक हो गया कि हमारे बात में सब विरोध में बैठ रहा हुआ है, बताइए। तो वो जेंट्स के साथ, लेडीज के साथ, बच्चे बूढ़े सबको मार दिया, पूरा गोली। अभी तक जालियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ हुआ था उस जाइएगा, वहाँ पे जालियांवाला बाग में, तो वहाँ पे अभी भी गोली का निशान दिखा हुआ। सारा अंग्रेज जो गोली चलाया था, पूरा गोली का निशान उस पर सब पे छेद किया गया है, दीवार पे भी छेद हो गया था, पूरा आदमी को पूरा वहाँ पर मार दिया गया था वहाँ, बताइए, निर्दोष लोग। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अत्याचार था। ये भी एक मुद्दा था कि भैया अब आंदोलन होगा, अब बड़े लेवल पर होगा, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा नंबर कारण क्या था? स्वराज प्राप्ति। स्वराज माने होता है कि हम आज़ाद हो जाएंगे, हमारा राज हम चलाएंगे। स्वराज, स्व माने स्वयं, और राज माने होता है राज करना, हम खुद राज करेंगे भारत पे, स्वराज होगा मेरा। यह भी एक मुद्दा था। इसके बाद चौथा नंबर, इस आंदोलन में दो तरह के कार्यक्रम थे। प्रथम, अंग्रेज सरकार को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसात्मक कार्य, जैसे उपाधियों, अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना इत्यादि शामिल थे। पहला कि भाई उसको कमजोर किया जाए अंग्रेजों को। अंग्रेज कैसे मजबूत बन गया है भैया? अंग्रेज काहे मजबूत बन गया है? हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं तब ना, हम सपोर्ट करना ही बंद कर देते हैं जो हमको कोनो कोनो ना आता आदमी को। अंग्रेज क्या करता था? हे भैया तुमको ये पद भी दे देते हैं, तुमको ये बना देते हैं, तुमको ये बना देते हैं, तुमको ये बना देते हैं। अपने देश के नेता सबको कुछ, मन लोगों को कुछ कुछ बना दिया तब ना शासन करा रहा था। हमारे देश के लोग सब ही उसके साथ दे रहे थे। त्याग कीजिए, आपको दीवान बना दिया है तो आप दीवान बन के घूमते फिर रहे हैं भैया, कोई बात हुआ? आप दीवान हैं तो क्या हुआ, पहले भारतीय हैं कि पहले दीवान हैं आप? तो पहले भारत की बात में कीजिए, जहां से भारत मर रहा है आप दीवान बन के घूम रहे हैं। कौन बना देता? अंग्रेज बना देता दीवान बन के घूम रहे हैं, बताइए, शोभा दे रहा है? छोड़िए उसको दीवान को, तुम्हारा हटाइए, कहीं दीवान उवान नहीं है तुम्हारा। कोई सभा बुलाता है, वो गैर सरकारी हो या सरकारी सभा, कोई भी बुलाता है सभा, नहीं जाएंगे मीटिंग में, नहीं करेंगे मीटिंग। कोई भी काम जो अंग्रेज हमसे करवाता है, वो सरकारी हो या गैर सरकारी, नहीं करेंगे काम, हम छोड़ देंगे काम को। ये पहला काम था कि अंग्रेज, अब जब सब बहिष्कार करेंगे तो अंग्रेज के पास कुछ बचेगा नहीं सपोर्ट, है ना,
तो पहला काम ये किए थे। दूसरा कारण क्या था? रचनात्मक कार्य। क्या था? रचनात्मक, कि न्यायालय में जो जाते हैं हम फैसला करवाने कोनो झगड़ा का, कोर्ट में जाते हैं वो कोर्ट में बैठा हुआ है अंग्रेज, फैसला करने वाला बैठा हुआ अंग्रेज, वकालत करेगा अंग्रेज, तो आपका हित का बात होगा नहीं ना होगा, तो झगड़ा लगाएगा, छोड़ाएगा थोड़ी ना। तो इसलिए न्यायालय का विरोध करो, नहीं जाएंगे कोर्ट में, पंच फैसला करेंगे, पंच हमारे देश के हैं, हम ही लोग पंच को चुनते हैं, हमारे पंच हैं, दादा हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो फैसला करेंगे, हमारा घर में झगड़ा हुआ है, हमारे दादाजी फैसला करेंगे। कहा जाए घर के बात को हम जाए कोर्ट में कहने उसको अंग्रेज को क्या, तो ये फैसला होगा। दूसरी बात कि राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना ताकि सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार हो। ये सरकारी कॉलेज जितना है स्कूल है सब में तो अंग्रेज घुस गया, अपना मनमाना कर रहा है, हम जो कराएंगे ये कराएं वो कराएं जैसे पढ़ाएं, है ना, कहीं ना कहीं अंग्रेज का दबदबा बन गया। तो कहा राष्ट्रीय कॉलेज बनाएंगे, हम अपना देश का कॉलेज अलग रखेंगे, हम अपना स्कूल अलग बनाएंगे, हम अपना छोटा छोटा स्कूल खोलेंगे, वहीं में बच्चा हमारा पढ़ेगा, नहीं जाएगा उस कॉलेज में पढ़ने। ये आदमी की रचनात्मक कार्य की रचना की इसका। उसके बाद कि रे भाई एक बात तो तय इसे तो कर लिया, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपना, स्वदेशी अपनाओ, स्व माने होता है अपना, देशी माने होता है देश का, स्वदेशी माने क्या हो गया अपना देश का, काहे हम अपना विदेश का सामान, स्वदेशी अपनाओ ना, ये अंग्रेज काहे लाया था, चंड मुट्ठी भर अंग्रेज आके हम पे जो शासन कर रहा है, ये अंग्रेज आया काहे है, कपड़ा बेचने ना, तो कपड़ा नहीं पहनेंगे, तुम्हारा कपड़ा नहीं पहनेंगे, तो ऐसे ही रहेंगे ना, कपड़ा बनाएंगे, खुद बनाएंगे हम अपना, मेड इन इंडिया क्लॉथ, मेड इन इंडिया, तुम्हारा कपड़ा क्यों पहने हो, तो कपड़ा बेचने ना आया था, कपड़ा बेचते बेचते पूरा गुलाम बना लिया हमको, करा तो कपड़ा पहनेंगे नहीं पहनेंगे, आग लगा दो सब कपड़ा में निकाल के, सब कपड़ा निकाल के आग लगा दिया, हम अपना कपड़ा खुद बनाएंगे। और इसीलिए क्या किए उन्होंने, क्या किया कहा, सब लोगों को समझाया गांधी जी समझाएं, क्या समझाएं, स्वदेशी अपनाओ, अपने देश का अपनाओ, विदेशी चीज का त्याग करो, विदेशी कोई वस्तु है उठा के पटक दो आग लगा दो उसमें, आग लगाने का, गांधी जी आग लगाने की बात नहीं कहते, वैसा नहीं कहते, कहते थे कि विरोध करो उसका, हटा दो, तो लोग सब अपना अपना घर के सामान निकाल के, और जो सामान जो विदेशी चीज़ है, विदेशी जैसे कपड़ा है उसको निकाल के रख दिया, आग लगा दी, नहीं लेंगे तुम्हारा यूज, विदेशी कोई भी सामान यूज नहीं करेंगे, विदेशी डायरी है नहीं चाहिए डायरी हमको रख लो, हम अपना पत्ते पर लिख लेंगे, विदेशी टेबल है नहीं टेबल पर बैठेंगे हम भुइये में बैठ जाएंगे, विदेशी कुर्सी है नहीं चाहिए हमको बेटे से कुर्सी, हटा दो कुर्सी को आग लगा दो, हम ऐसे ही बैठ जाएंगे, ये नियम निकला, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, मेड इन इंडिया जो होगा जो हमारे देश में बनेगा वो अपनाएंगे, ताकि देश का पैसा देश में न रहेगा, है देश का पैसा विदेश में नहीं जाएगा, तो ये फायदा हुआ, बात हुआ ना, समझ में आ रही ना कुछ बातें। अब एक साथ और कि खादी, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना, कि भैया अब खादी वस्त्र पहनेंगे, घर घर चरखा चलेगा, लोग चरखा चलाएंगे, सूत बनाएंगे, कपड़ा बुनेंगे, और सब आदमी अपना कपड़ा पहनकर दिखा देंगे कि तुम्हारा बात अब हम नहीं मानने वाले हैं, तुम्हारा कपड़ा नहीं पहनने वाले, तुम्हारा कोई चीज़ हम यूज नहीं करेंगे, कपड़ा छोड़िए ना, कोई भी चीज़ तुम्हारा यूज नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने क्या किया, तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके, तिलक स्वराज कोष की स्थापना किया। एक कोष का मतलब होता है कि आप बैंक कह लीजिए, खाता कह लीजिए, एक खाता उन्होंने खोल लिया, उसमें बैंकिंग प्रणाली उतना अच्छा नहीं था, सिर्फ कोष होता था, कोष, कोष माने क्या, पैसा जमा करने का जगह। तो उन्होंने क्या किया, तिलक स्वराज कोष की स्थापना किया, उसमें 1 करोड़ रुपया जमा किया। बुआ 1 करोड़ रुपया हो गया, 1 करोड़ का बात हो गया, अभी भी बहुत बड़का बात है, मगर 1 करोड़ रुपया आपको पता नहीं है उस समय 1 रुपया का कितना कीमत था, उस समय मतलब अभी के जमाने से कह लीजिए कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा, वो 1 करोड़ समझिए 100 करोड़ से भी ज़्यादा था। और उसमें उन्होंने बनाया 20 लाख चरखा बनवाकर संपूर्ण भारत में वितरण किया, 20 लाख चरखा बनाया। उस समय हमारे देश की लगभग आबादी 34 करोड़ थी, 30 करोड़ मान लिए,
30 या 34 करोड़ के करीब है। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो 30 या 34 करोड़ थी। उसमें भी 20 लाख चरखा बांटा जाना, मतलब एक घर में वो चरखा हो जाएगा तो क्या होगा, खुद का कपड़ा बना लेगा। एक बार कपड़ा 5 दिन बना लिया तो आराम से पहनेगा साल भर, 1 महीना कपड़ा बना लेगा तो पहनेगा ना 11 महीना। तो ये नियम निकाला और ये घर घर से चरखे की आवाज़ आती थी, घर घर से चरखे की आवाज़। आप कहिएगा सर अपना कपड़ा खुद बनाएगा, कहला अरे भैया बनाना यहाँ पे नहीं ना, उसको दिखाना है कि तुहरा बरकर का जो मिल का जो तू कपड़ा ला के हमको गुलाम बना रहा है, तुहरा मिल का कपड़ा हम पहनबे नहीं करेंगे, ले जाओ अपना घर तू पहनना, आग लगा देंगे नहीं।